गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम संगीता भट्ट योर प्रीवियस टीचर. स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 7 प्लांट्स अराउंड अस की रीडिंग कंप्लीट करी थी, और आज की वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स. इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करके आपको ब्लैंक में फिल करना है. ब्लैंक रूट प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन्स. किस प्रकार की रूट्स, जड़ें जो होती है वह मिट्टी के कटाव को या मृदा अपरदन को रोकती है. तो वह होगी हमारी फाइब्रस रूट. फर्स्ट में आपको फाइब्रस फील करना है. फाइब्रस रूट प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन. जो फाइब्रस रूट होती है वह मिट्टी के कटाव को रोकती है. नेक्स्ट आपका रूट्स ऑफ बनियान ट्री आर कॉल्ड ब्लैंक के रूट्स. बनियान ट्री की जो रूट्स होती हैं उसे कौन सी रूट कहा जाता है, तो उसे हम एरियल रूट कहते हैं, क्योंकि बनियान ट्री की जो रूट होती है वह जमीन के ऊपर हवा में लटकती है ना, और वह जमीन की तरफ ग्रोथ करती है. तो सेकेंड में आपका एरियल आ जाएगा. नेक्स्ट है ब्लैंक आर प्लांटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड. तो इसमें आपका थर्ड में फ्री ट्री आ जाएगा. तो ट्रीज आर प्लांटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड. रोड के दोनों साइड्स पर पेड़ लगा रहे हैं. नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज बी, राइट द नेम्स ऑफ द. आपको यहाँ पे इनके नेम लिखना है जो टॉपिक दिया गया है उसके अकॉर्डिंग, है ना. फर्स्ट है रूट्स ईटन एज वेजिटेबल्स. कौन कौन सी रूट को हम वेजिटेबल्स के रूप में खाते हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा कैरेट, रेडिश और बीट रूट एंड टर्निप. ये जो वेजिटेबल जो रूट है इनको हम वेजिटेबल के रूप में भी यूज़ करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट आपका आ जाएगा प्लांट्स दैट हैव अ टेप रूट. वे कौन कौन से प्लांट है जिसकी रूट टेप होती है, टेप रूट होती है. तो रेडिश हो गया, टर्निप हो गया, कैरेट हो गया. CARROT कैरेट CA है ना, RROT कैरेट. नेक्स्ट आ गया आपका प्लांट्स दैट हैव फाइब्रस रूट. वे प्लांट जिनकी रूट फाइब्रस होती है, तो ये हो जाएगा हमारा वीट, राइस, कॉर्न. ओके, इस तरह से हमें ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है. ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. आपको इसमें ट्रू फॉल्स राइट करना है. रूट्स ऑफ सम प्लांट्स आर ईटन एज फूड. कुछ प्लांट की रूट्स को हम भोजन के रूप में यूज करते हैं, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा. हाँ, करते हैं ट्रू. नेक्स्ट, पाइन ट्रीज बियर ब्यूटीफुल फ्लावर्स. पाइन का जो पेड़ होता है उसके सुंदर सुंदर फ्लावर्स होते हैं, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट है प्लांट्स डू नॉट नीड वाटर एट ऑल. प्लांट्स को पानी की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा. नेक्स्ट है आपका नीम ट्रीज प्यूरिफाई द एयर. नीम का जो पेड़ है वह हवा को शुद्ध करते हैं, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा. इस तरह से आपको ट्रू फॉल्स कंप्लीट करना. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग कंप्लीट करेंगे. प्लांट्स मीन्स होता पौधे, SHOOT शूट मीन्स होता तना, रूट्स ROOTS रूट्स मीन्स जड़े, BUDS बड्स मीन्स कलियाँ, ROPE रोक मीन्स रस्सी, स्प्रेड आस
SPREAD स्प्रेड में फैलाना, टर्निप TURNIP टर्निप शलगम, ट्राइबल्स मीन्स होता है आदिवासी, अनडिजायरेबल हानिकारक, सॉइल इरोजन मिट्टी का कटाव, रेन फॉरेस्ट मीन्स होता है वर्षावन। इस तरह से हमें वर्ड मीनिंग कंप्लीट करना। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेम ऑफ टू टाइप्स ऑफ रूट्स, डिस्क्राइब ईच वन ऑफ देम। आपको टू टाइप्स की रूट्स के नाम लिखना है और उनको उनके बारे में भी आपको राइट करना है। तो नेम ऑफ टू टाइप्स ऑफ रूट्स आर टेप रूट एंड फाइब्रस रूट। फर्स्ट हम टेप रूट के बारे में पढ़ेंगे। टेप रूट इज अ थिक सिंगल रूट दैट ग्रोज स्ट्रेट डाउनवर्ड्स। जो टेप रूट होती है वह मोटी और सिंगल रूट होती है जो कि नीचे की तरफ, जमीन में नीचे की तरफ ग्रोथ करती है, बढ़ती है। नेक्स्ट है आपका फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट हैज मेनी ब्रांचेस, इट इज नॉट गो डीप इन टू द सॉइल, सच रूट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन। जो फाइब्रस रूट होती है उसमें कई ब्रांचेस पाई जाती हैं और इस प्रकार की रूट मिट्टी में ज़्यादा डीप तक नहीं जाती हैं। और ये इस प्रकार की जो जड़ें होती है, रूट्स होती है, वे मृदा अपरदन या मिट्टी के कटाव को रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर्क रूट्स डू फॉर प्लांट्स। जड़ें जो होती है प्लांट्स के लिए क्या वर्क करती हैं? तो आंसर हुआ, रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली टू द सॉइल एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। दे एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड ट्रांसपोर्ट देम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दिस हेल्प्स द प्लांट टू ग्रो। जो जड़ें होती है वह मिट्टी को पेड़ों से अच्छे से बांध के रखती है जिससे कि मिट्टी का कटाव नहीं होता है और वे मिट्टी से पानी और खाद्य पदार्थों को या खनिज पदार्थों को एब्जॉर्व करती है और प्लांट के दूसरे पार्ट तक पहुंचाती है। इस तरह से वे प्लांट को ग्रो करने में, बढ़ने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर पैरासिटिक प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट क्या हैं? पैरासिटिक प्लांट्स डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट्स जो होते हैं वे दूसरे प्लांट से हमारा भोजन प्राप्त करते हैं, मीन्स वे अपने भोजन के लिए दूसरे पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं। इस प्रकार के पौधों को परपोषी प्लांट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, हु लुक्स आफ्टर ट्रीज एंड प्लांट्स इन सिटीज एंड विलेजेस। शहरों और गांवों में प्लांट्स की देखरेख कौन करता है, कौन उनको देखता है? तो आंसर होगा हमारा, इन सिटीज एंड टाउन्स म्यूनिसिपल बॉडीज एंड इन विलेजेस द पंचायत लुक्स आफ्टर ट्रीज एंड प्लांट्स। शहरों और नगरों में म्यूनिसिपल पार्टी के जो, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो मेंबर होते हैं वे पेड़ पौधों की देखरेख करते हैं और गाँव में पंचायत के द्वारा पेड़ पौधों का और प्लांट्स की देखरेख की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड एंड डोमेस्टिक प्लांट्स। वाइल्ड और डोमेस्टिक प्लांट में क्या अंतर है? आंसर हो गया हमारा, डोमेस्टिक प्लांट्स आर ग्रोन एट होम वेयर एज वाइल्ड प्लांट्स ग्रो बाय देमसेल्स। जो डोमेस्टिक प्लांट्स होते हैं उन्हें घर पर उगाया जाता है ना, जबकि जो वाइल्ड प्लांट होते हैं वे अपने आप
ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर कॉपी में कंप्लीट करना है और जो एक्सरसाइज है उसको बुक में फिल करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।